सबसे कठिन काम है किसी के दिल को जीतना, और खास तौर पर एक लड़की के दिल को जीतना। हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि हम सामने वाले के दिल को कैसे जीत सकते हैं। अगर वो हमें नहीं पसंद कर रहा, या हमें कुछ भी पता नहीं, आइडिया ही नहीं है कि पसंद करेगा या नहीं करेगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है कि उसे बताएं कैसे कि हम उसे पसंद करते हैं। सामने वाली लड़की या औरत हमको पसंद करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ी समस्या का विषय होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी लड़की का दिल जीतना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में हर काम बिगड़ जाता है, इसलिए सबसे पहली बात कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात कि जिसको आप पसंद कर रहे हो, उसकी पसंद और नापसंद आपको मालूम होना चाहिए, और उसके पहले पसंद और नापसंद मालूम होना बाद की बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी बात है कि आपको लड़कियों की और औरतों की इज्जत करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे बारे में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन बहुत सारा चीज़ें होती हैं, आज नहीं तो कल हमारे बारे में ये सब चीज़ें पता चल ही जाती हैं। और फिर अगर आज रिश्ता जुड़ भी गया है, तो वो कल जरूर टूट जाएगा। हम सामने वाले की इज्जत नहीं करते हैं, तो पहली बात तो इज्जत सभी को देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बराबर हर रिश्ते में हर इंसान के साथ हमको इज्जत से पेश आना चाहिए। तो लड़की हो, औरत हो या कोई भी हो, हमारी ये व्यवहार में हमारे होना चाहिए कि हम सामने वाले की इज्जत करें। तो अगर हम ये चीज़ नहीं हमारे व्यवहार में, तो हमको कोई मिल भी जाएगा तो वो हमारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहली बात जल्दबाजी नहीं करना है, दूसरा आपके व्यवहार में इज्जत देना होना चाहिए। लड़की की रिस्पेक्ट करिए, औरत की रिस्पेक्ट करिए, और तीसरे नंबर पर फिर आता है कि आप लड़की की पसंद और नापसंद को जरूर जानें, भले उसके करीब जाने के पहले आप जानें। और इसके बाद जब आप उसकी पसंद और नापसंद को जान जाएं, तो आप उससे दोस्ती करें। अगर आपके साथ कोई पढ़ रहा है या पास में रह रहा है, तो आसान है, लेकिन अगर कहीं दूर भी है, तो भी दोस्ती करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के टाइम में किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो सामने वाले से दोस्ती करिए। और दोस्ती के बाद जो आपकी भावनाएं, उनको बहुत जल्दी व्यक्त मत करिए। दोस्ती को थोड़े दिनों तक चलने दीजिए, इससे आप सामने वाले को जान पाएंगे और वो आपको जान पाएगा। इसलिए इसे थोड़ा लंबे टाइम तक चलने दीजिए, क्योंकि जब धीमी आंच में रोटी पकती है ना, तभी सही ढंग से पकती है। तो इसको, दोस्ती को थोड़ा आगे चलने दीजिए। जितनी गहरी दोस्ती होती है, उतना गहरा रिश्ता होता है। हो सकता है कि आप ही पीछे हट जाएं, हो सकता है सामने वाला आपको बहुत जल्दबाजी करने में ना पसंद करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको जानना बाकी रह जाएगा। इसलिए दोस्ती करें, लेकिन जल्दबाजी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में ना दिखाएं। आपको जब लगे कि हाँ, मेरी जैसे भी अब मेरे लिए बेचैन हो रहा है, बेचैन हो रही है, तो ही आप अपनी भावनाएं फिर धीरे धीरे व्यक्त करें उसके सामने। उनको गिफ्ट देने में जल्दबाजी ना करें कि हम जल्दी जल्दी और महंगे महंगे गिफ्ट देने लगे, क्योंकि प्यार अंदर से होता है, पसंद अंदर से होता है। किसी के ऊपर हम बहुत सारा खर्च करेंगे, इसके बाद कोई हमारा अपना होगा, ऐसा नहीं है। और अगर कोई इसको प्राथमिकता देता है, तो ये प्यार भी नहीं है। तो आपको गिफ्ट देने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, पहले आप दोस्ती को बढ़ाइए, अपनी भावनाएं व्यक्त करिए। इसके बाद अगर आप मिल सकते हैं, तो मिलने की कोशिश करिए, और मुलाकात करने पर आप एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान पाएंगे। हाँ, उस दौरान आपको लगता है तो कोई, जैसे आपने उनकी पसंद जान ली है, तो उनकी पसंद का गिफ्ट आप दे सकते हो। जब आपकी दोस्ती हो जाती है, तो भी बहुत ज़्यादा सारा दिन मैसेज करना, कॉल करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि आप बिल्कुल एकदम बेचैन हो रहे हो, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप दूर जा रहे हो।
आप बिल्कुल उन्हें गुड मॉर्निंग कहिए, दोपहर में भी मैसेज कर दीजिए, कभी रात में कर दीजिए, लेकिन सारा दिन बिल्कुल भी नहीं। जैसी उसकी पसंद है उस हिसाब के स्लोगन भेजिए, और कुछ कॉमेडी वीडियो तो सभी को पसंद आते हैं, रोमांटिक जिस टाइप के गाने सुनने पसंद करते हों उस तरह के छोटे छोटे वीडियो जब आपके दोस्ती हो जाए तब भेजिए, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इतना हड़बड़ा जाते हैं कि मतलब उनको लगता है कि जैसे ही हमने अपने प्यार का इजहार किया तो अब हमको बिल्कुल, या हमारी दोस्ती हो गई है तो अब हमको बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने लगते हैं, तो सामने वाले के पास भी काम होते हैं और वो बहुत जल्दी आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, या कि पसंद करते हुए भी वो उतना ज़्यादा नहीं कर सकता है और ये चीज़ें डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं। तो किसी भी तरह का ऐसा माहौल पैदा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप उतावले हो जाओ। आप बिल्कुल आराम से, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है और सबकी अपनी पसंद होती है कि कोई सारा दिन बात करना नहीं पसंद कर पाता है, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। और बाद में भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना, सारा दिन करना, ये ठीक नहीं रहता है। आप सामने वाले के को अगर है ऐसा लग रहा है कि आपको उन्हें पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप करिए फिर, तो आप बहुत जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है, इस बात को आपका विशेष ख्याल रखिएगा। और यकीन मानिए जब आप एक दोस्त बन करके किसी का दिल जीतेंगे, उसकी पसंद जानेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, तो आप किसी को भी सरलता से अपना बना लेंगे। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।